हाय एवरीवन, आज हम बनाने जा रहे हैं एक स्वीट डिश, साबूदाना खीर। इसके इंग्रेडिएंट्स हैं तो देखिए, सबसे पहले इधर 1.5 किलो मैंने साबूदाना भिगाई थी। इसको रात से भिगाई थी, कम से कम 10 घंटा भिगाई हूँ। इस तरह से छान लेना है, छन्नी में पानी नहीं रहना चाहिए। और इधर देखिए, थोड़ा सा काजू मैंने काटी हूँ चार धार धार करके। और आप चाहे तो और बादाम भी ले सकते हैं, चार्ली ले सकते हैं, और भी जो भी है आपको सब डाल सकते हैं इसमें। इधर देखिए थोड़ा सा, ये देखिए, ये किशमिश है, इसको इस तरह से भिगा लेना है। और इधर देखिए 150 ग्राम मैंने शक्कर ली हूँ और 2 छोटी इलायची है। और इधर देखिए, इसमें ऑरेंज कलर है और पीला कलर है और थोड़ा सा दूध है। और थोड़ा सा मैंने पिस्ता का रस की हूँ छील करके, इसको सजाने के लिए। और इधर ये भी सजाने के लिए। ये देखिए, ये माय बाइट का माउथ फ्रेशनर है, तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं स्वीट डिश में। 1 लीटर दूध है तो इसको मैं बहुत देर से मतलब चढ़ाई हूँ, तो ये पकते पकते मतलब देखिए कम हो गया है। और इसको अभी क्या करना है, अच्छा उबाल तो हो गया है, हम थोड़ा छान लेंगे। फिर हम मलाई नहीं ऐड करेंगे, छान करके ऐड करेंगे। ये देखिए, इसको ऐसे हाथ संभाल कर इसे छान लेना है। और हम दूध एक हीटर में 3-4 दिन तक गर्म करते हैं, क्योंकि उसमें चाय भी टेस्टी बनता है वो दूध से, और अच्छा रहता है। रोज़ रोज़ हम नहीं घाटते हैं तो इसमें हम 1 लीटर दूध डालेंगे, थोड़ा सा हम बचा लेंगे। पर हम सबसे पहले शक्कर है, छोटी इलायची है, इसको हम ऐड कर देंगे। आज हम बघारेंगे नहीं, एकदम सादा बनाएंगे इसको। हम ये थोड़ा उबाल लेंगे। यहाँ पर काजू भी ऐड कर देंगे। ये देखिए, ये किशमिश है, इसको भी हम यहाँ पर ऐड कर देंगे पानी के साथ। और दूध एक उबाला और उबालना है, उसके बाद में हम साबुदाना ऐड कर देंगे। दूध में एक उबाल अच्छे से आ गया, माशाल्लाह खुशबू अच्छी आ रही है, तो यहाँ पर हम साबुदाना ऐड कर देंगे। साबुदाना भी फूल करके बहुत बड़ा बड़ा हो गया। 5 मिनट तक पकाएंगे। देखिए, साबुदाने की खीर बनके तैयार हो गई। आज की रेसिपी है साबुदाने की सादी खीर, तो इस तरह से बना लेना है। यहाँ पर हम चूल्हा बंद कर देंगे। ये देखिए, ये माय बाइट का माउथ फ्रेशनर है, तो इससे भी हम थोड़ा सा सजा लेंगे। इसमें ये जो ये पार्टिकल्स होते हैं, ये जेली की फॉर्म में होते हैं, इसके लिए इसका यूज़ कर रहे हैं। ये मीठा होता है, और ये जो कलर हमने तैयार किए थे, इससे भी थोड़ा सा सजा लेंगे। तो ये फूड कलर है, आप चाहे तो इसकी जगह केसर का यूज़ भी कर सकते हैं। ये कलर ऐड करने के बाद इसको थोड़ा सा डिजॉल्व कर देना है इस तरह से। ये देखिए, ये बहुत ही डिलीशियस खीर बनके तैयार हो गई है। अगर से आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए।